दाढ़ी के लाल और भूरे बालों को काला कैसे किया जाता है? अगर आपकी भी बियर्ड के हेयर्स ब्राउन या रेड हो रहे हैं तो उनको ब्लैक कैसे कर सकते हैं, कौन सा ट्रीटमेंट होता है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो मेरे आने वाले वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो आपने अक्सर लोगों के देखा होगा कि उनकी जो बियर्ड है उसमें एक दो बाल या ज़्यादा बाल ब्राउन, भूरे या फिर रेड, लाल आते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो नहीं होती है, लेकिन अगर आपके आ रहे हैं तो ये आगे प्रॉब्लम्स बन सकती है आपकी। फिर जो ब्लैक बियर्ड है वो कहीं ना कहीं या तो भूरी हो जाएगी या फिर वो रेड हो जाएगी, तो वो कलर आप में थोड़ा सा अलग ही हो जाएगा। जो आपकी बियर्ड, आपके हेयर्स की जो ब्लैकनेस रहती है, ब्लैक जो काले रहते हैं, उसके बाद आपकी बियर्ड ब्राउन या रेड आ जाती है, तो वो कहने के कॉम्बिनेशन ख़राब हो जाता है, कहने के ये आपको प्रॉब्लम्स लग सकती है। तो अगर आप ये चाहते हो कि आप आपकी बियर्ड को पूरा ब्लैक कर ले तो ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट होता है एवियम 400 विटामिन ई कैप्सूल। इसको कैसे लगाया जाता है, इसके साथ क्या क्या मिक्स करके लगाया जाता है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आप आपके फेस को नाइट में वॉश करें सोने से पहले, या फिर जब आप सोते हो, चाहे आप कितनी बजे सोते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर इसके बाद आप आपके फेस को वॉश करके किसी भी सोए कपड़े से साफ करें। इसके बाद आप एवियम 400 का जो कैप्सूल आता है उस कैप्सूल को आप काटें, उसमें से जो जेल निकलता है, जो ऑयल हम बोल सकते हैं, वो ऑयल निकलता है, जितनी मात्रा में वो एवियम का जो ऑयल रहता है उतनी ही मात्रा में आपको कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल उसमें मिक्स करना है। मिक्स करके आपको उसको स्क्रब करके आपके फेस पर जहाँ पर भी आपके बियर्ड के हेयर्स ब्राउन या रेड हो रहे हैं वहाँ पर आप 15 दिन तक इसको लगाएं कंटिन्यू। ये दोनों का आप मिक्स पेस्ट करके 15 दिन तक आप कंटिन्यू लगाएं। 15 दिन के बाद आप आपकी बियर्ड की सेविंग कर लें। सेविंग करने के बाद फिर आप दोबारा 15 दिन लगाएं, जिससे कि जो आपके बालों की जड़ तक वो जाएगा। और जो अगर आप ये सोचते हो कि आपके ऊपरे हेयर्स ब्राउन या रेड हो रहे हैं तो ऐसा नहीं होता, आपके बालों की जड़ समेत ब्राउन रेड होती, पूरा हेयर्स ब्राउन या रेड हो जाता है। तो आपको जड़ से ही आपके हेयर्स को अगर ब्लैक करना है तो आप 15 दिन पहले उसको लगाएं, फिर 15 दिन बाद आप सेविंग करें, फिर 15 दिन तक आप उसको लगाएं, यानी 1.5 महीना आपको ये ऐसा करना है। इसके बाद फिर आप दोबारा सेविंग करें 2 महीने बाद। 2 महीने में आपको 2 बार सेविंग करना है या फिर 3 बार सेविंग करना है। इसके बाद आपके सारे बाल जो हैं वो ब्लैक काले निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये ट्रीटमेंट बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था कि अगर आपके रेड और ब्राउन हेयर्स हो रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट बता दूंगा कि आप आपके दाढ़ी के बालों को काला कैसे कर सकते हो। तो ये ट्रीटमेंट आपको कंटिन्यू करना है, इससे आपकी बियर्ड की ग्रोथ भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपकी बियर्ड कहीं ना कहीं पैची है या आपको और ज़्यादा काली घनी मोटी हेयर्स करना है, पूरी भरना है आपकी दाढ़ी, तो ये ट्रीटमेंट उसके लिए भी सक्सेसफुल होता है। लेकिन आपको ईमानदारी से ट्रीटमेंट्स फॉलो करना है 2 या 2.5 महीने, इसके बाद आपको रिजल्ट सामने देखने को मिलेगा। जो भी बियर्ड को लेकर प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। सी यू अगेन।